Uh, hi everyone uh, good afternoon this video is for class 11 subject evs uh, today our topic is structure of ecosystem uh, before start uh, this video uh, we just were uh, discussed about the previous video um, that would we discuss about the previous video um, uh, what we were studying in a previous video, uh, we were study about the type of ecosystem. What is the type of ecosystem, and how many type of ecosystem we have? There we that we study that we have a natural ecosystem. Another is artificial ecosystem, and another is the importance of ecosystem. What are the importance of ecosystem? Some few points uh, we were uh, discuss about uh, in the previous video. <coughs>

सारा जो इकोसिस्टम है यानी पूरे इस दुनिया में जितने सारे इकोसिस्टम है वी हैव आ नैचुरल एकोसस्टम वी हैव अ मेन मेन इकोसिस्टम जिसको हमने एंथ्रोपोजेनिक कहा था देर आर टू मेन नेचुरल इकोसिस्टम आर वन इज़ द टेरिस्टेरियल अनर इज़ द एक्वाटिक इको सिस्टम सो ऑल द इो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कम्पोनेंट सभी इकोसिसटम के हर किसी एकोसिसटम का दो बेसिक कम्पोनेंट है याद रखना वो जो बेसिक कंपोनेंट है आप लोगों को इकोसिस्टम का वो है वन इज़ नेचुरल अनदर इज़ मेन मेट बट हियर इज़ नॉट दैट द स्ट्रक्चर इकोसिस्टम यहाँ पे है आप लोगों का दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है कंपोनेंट जिसे हम बायोटिक कहते थे हैं ठीक है सो so, सभी इकोसिस्टम दो बेसिक कंपोनेंट से बना हुआ है दो बेसिक कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट इज अनदर इज एबायोटिक कंपोनेंट। सो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को हमने बहुत बार पट लिया है आप लोगों को बहुत बार समझा चुके हैं आप लोगों को कि बायोटिक बायो का मतलब लाइफ होते हैं लाइफ कंपोनेंट जितने सारे उन्हें बायोटिक कहते हैं एबायोटिक जिनके अंदर लाइफ नहीं होता है यानी जो नॉन लिविंग से रिलेटेड करते हैं बट नैचुरल हैं ठीक है सो वी हैव ए बायोटिक कम्पोनेंट अनदर वी हैव अ बायोटिक कम्पोनेंट सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट दिस कंपोनेंट रिफर टू नॉन लिविंग फैक्टर हमने पहले भी कहा कोई भी नॉन लिविंग एलिमेंट हो कोई भी नॉन लिविंग फैक्टर हो उसे रिलेटेड करता है उसे रिफ़र करता है ए बायोटिक कंपोनेंट इसके अंदर होता है इन in, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अनदर इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट दो कंपोनेंट होते हैं वन इज़ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देर आर द इनऑर्गेनिक लाइक कार्बन ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन नाइट्रोजन सी ओ टू वाटर दिस आर ऑल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो आप लोग क्या कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंडस प्रोटीनस एमाइनो एसिड लिपिड्स ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए आरएनए एटीपी जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आता है इन ऑर्गेनिक गैसेस जितने सारे हैं वो सारे लाइक कार्बन ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर आलकॉल्ड सो इन ऑर्गेनिक हैव ए बायोटिक कंपोनेंट वी हैव इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट ठीक है दूसरी चीज़ है हमारे पास और इसके अंदर क्लाइमेट भी एक कंपोनेंट है लाइक like क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल होता है ह्यूमिडिटी टेम्परेचर विंड रेनफॉल वर्षा हुआ प्रेसिपिटेशन हुआ ह्यूमिडिटी आप लोगों का मॉइस्चराइजेशन हुआ टेम्परेचर दैर कोल्ड टेम्परेचर और हॉट टेम्परेचर विंड की ब्लोइंग कैसा है दीज आर कॉल्ड क्लाइमेटिक कंपोनेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हम कह सकते हैं ठीक है दूसरा है हमारे पास एडिफिक फैक्टर दिस इंक्लूडिंग द सोइल मिनरल टोपोग्राफी ऑल्टीट्यूड वहाँ का क्या कंपोनेंट है यानी वहाँ के आ, क्या बोलते हैं उसको हम बोल सकते हैं रिलीफ फ़ीचर्स क्या हैं जितने सारे रिलीफ फीचर जितने सारे सॉइल्स हैं ऑल्टीट्यूड हैं लेटीट्यूड हैं उन सभी को हम एडिफिक फैक्टर बोलते हैं ठीक है एडाफिक फैक्टर सो दिस इज ऑल अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट नाउ वी हैव बायोटिक कंपोनेंट ठीक है अब हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट हम स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम पढ़ रहे हैं ठीक है बायोटिक कंपोनेंट सो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग प्रोसेस से जो रिफर करता है वो वाले एलिमेंट जो लिविंग हो इको सिस्टम के अंदर जिनके अंदर जान हो ईको सिस्टम के अंदर जिनके अंदर जान नहीं होता है दैट आर काल्डा ए बायोटिक स्ट्रक्चर ए बायोटिक कंपोनेंट अनादर स्ट्रक्चर इज बायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के अंदर लाइफ प्रोसेस चलने वाले सारे इकोसिस्टम को हम बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है सो so, सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट में आप लोगों का प्रोड्यूसर्स होते हैं ठीक है प्रोड्यूसर इज अ ऑर्गेनिज्म यानी जो अपना खाना खुद बनाता है यानी ऑटो टाइप में बनता है यानी ऑटोमेटिक बनता है सो द प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स विच आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लाइक आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे इसमें दिया लाइक like हमारे पास है लाइक कीमोसेंथटिक एंड फोटोसेंथटिक बैक्टीरिया ठीक है लाइक ब्लू ग्रीन अलग अलगा अदर ऑल ग्रीन अदर ग्रीन प्लांट एंड सर्टन प्रोटोजून लाइक जो आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे एंगुलना दिया हुआ है दीज आर कॉल द बैक्टीरिया दिज आर ऑल्सो कॉल द प्रड्यूसरस जिन्हें हम कह सकते हैं ठीक है दिज आर द ओनली लिविंग बींग केपेबल ऑफ सिंथिसाइजिंग फूड फ्राम नॉन लिविंग कम्पोनेट बाई दी प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस ये सारे लिविंग कम्पोनेट है फोटोसिंथिस के जरिए वह अपना खाना खुद बना लेते हैं ठीक है हेन्स दिस सप्लाई ऑफ फूड इन द वर्ल्ड वाइड यही सारे जितने सारे प्रोड्यूसर है ये पूरे दुनिया के वर्ल्ड वाइड को पूरी तरह फूड सप्लाई करते हैं दीज आर कॉल द आटोट्राप्स इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं लाइक प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉपिक दूसरा कंज्यूमर्स यानी इन ऑटोट्रॉप्स को जो कंज्यूम करते है दीज आर हीटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं भाई हीटेरोट्रॉपिक हैं दो आर डिपेंड ऑन द अदर्स यानी जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं मेनली ख़ास कर एनिमल्स आर द ऑटोट्रॉप्स विच ईट्स अदर लिविंग क्रिएचर्स जो दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को खाते हैं दिज आर कॉल्स हिट्रॉप्स फूड चैन के अंदर अगर देखा जाए तो कंज्यूमर्स के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं लाइक हरबीवर्स लाइक प्लान ईटर एनिमल्स लाइक गोट डियर रेबिट डायरेक्टली ईट अप द प्लान्ट को खाते हैं कंट्री कंज्यूमर्स के अंदर आता है प्रायमरी कंज्यूमर्स कंट्री कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर्सों में प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हुआ जो प्लांट स्पीशीज को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो जो कर्नीवर्स होते हैं यानी जो गोश्त को खाते हैं गोश खोर्स जिन्हें बोला जाता है फॉक्स लाइक फ्रॉक टर्शरी कंज्यूमर्स वी हैव जो स्कंड्री कर्नीवोर्स को ही खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक वल्फ ईटन अपॉन द फॉक्स एंड क्वेटनरी कंज्यूमर्स डिपेंड अपॉन द फूड चेन विच ईट अपॉन द टर्शरी कंज्यूमर लाइक लाइन एंड टाइगर्स क्वेटनरी कंज्यूमर्स भी यहाँ होते हैं सो वी हैव वन इज अ प्रोड्यूसर अनदर इज अ कंज्यूमर्स ना वी हैव डी कम्पोजर फिर इसको थोड़ा बहुत दूसरे वीडियो में हम रिपीट करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच